औरंगाबाद शहर से प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने के लिए सहायता की जा रही है। भले ही सरकार ने इन मजदूरों की तरफ से आंखें मूंद ली है, लेकिन कुछ हमदर्द लोग अपने ذاتی खर्च से इन बेसहारा मजदूरों की मदद करने से थक नहीं रहे हैं। जबकि इनकी और शहर की जनता की मदद करने सबसे पहले जनता के चुने गए लोक प्रतिनिधियों ने आगे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि नगर सेवक, आमदार और खासदार जनता कर्फ्यू का खुद अपने आप कड़ा पालन कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है तो ही घर से बाहर निकलते हैं, ना ज़रूरतमंद को मिलते हैं और ना ही किसी की मदद को आगे आ रहे हैं। लेकिन फेसबुक द्वारा ऑनलाइन आकर लगातार जनता से संपर्क कर ही लेते हैं, साथ ही जिसको रास्ते पर समाज की सेवा के लिए आना था वो जनता कर्फ्यू का कड़ा पालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो नेता है और ना ही नेतागिरी का कोई शौक रखते हैं, यहाँ तक कि बुलेट पर भी घूमते हैं तो फोटो फेसबुक पर नहीं लगाते, जैसे अब्दुल वासी पटनी। ये पिछले कई दिनों से बेलॉस मदद किए जा रहे हैं और रफत यार खान इनका इस सेवा में भरपूर साथ दे रहे हैं, और शहर के कुछ भावी नगर सेवक भी इनके साथ कभी कभार दिखाई दे रहे हैं। हमने बात की इनसे। लोग जो है पिछले 10-15 दिन से जो है ये जो माइग्रेंट मजदूर रोडों पे उतरे हुए इनके लिए काम कर रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में जो है हम लोग इन लोगों को, मैं फिरोज भाई, हमारे बाबा सेठ, वाजिद बादशाह, यूसुफ भाई, रफत यार खान साहब, हम इनके जो है लोगों को हाईवे पे फूड पैकेट्स पहुँचा रहे थे। बाद में जो है पिछले 8-9 दिन से जो है 10 दिन से अपने औरंगाबाद शहर के कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब जो है हमें बताए कि भाई यहाँ जो है पुलिस डिपार्टमेंट एक हेल्प डेस्क शुरू करना चाहता है, और हमें जो है ये खिदमत का एज अ वॉलेंटियर मौका दिया उन्होंने कि भाई इस हेल्प डेस्क पे आप लोग लीजिए, और यहाँ से जो भी माइग्रेंट लेबर जाते हैं उनकी ट्रैवलिंग की फैसिलिटी जो है पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कीजिए। तो हमने यहाँ काफ़ी दूर दराज इलाकों से, पूना से, मुंबई से, बारामती बोलो, काफ़ी दूरों से काफ़ी लेबरों को 400-500 किलोमीटर पैदल चलते हुए आते हुए देखा है। उसमें वो 7 साल के, 8 साल के बच्चे हैं, बूढ़ी औरतें हैं, काफ़ी प्रेग्नेंट औरतें जो है 2-2, 3-3 बच्चे गोद में उठाते हुए 4-4 दिन से का सफ़र पैदल करते हुए आ रही है। तो ये चीज़ जो है ये देखी नहीं जा रही थी। तो हम लोग ने एक ये सेंटर शुरू किए। सेंटर के ऊपर जब भी ये मजदूर पहुँचते हैं आगे विदर्भ जाने को या छत्तीसगढ़ जहाँ पर भी जाना है, हम यहाँ इनको रुका के एक पानी का टैंकर खड़ा करें, वहाँ फ्रेश होने लगाते हैं, फ्रेश होकर जो है पीने का पानी, खाने का इंतज़ाम, उसके बाद डॉक्टर है यहाँ, एक एम्बुलेंस खड़ी है यहाँ पर। हाँ, उसके अलावा जो है कुछ लोग टू व्हीलरों पर भी आ रहे हैं, तो उनकी टू व्हीलरें ख़राब हो जा रही है, तो वो टू व्हीलरों के लिए जो है स्पेयर पार्ट का, मैकेनिक का, वो भी इंतज़ाम यहाँ हमने करके रखे हुए हैं। यहाँ तक के जो है ये चल के आने से जो है इनके पैरों के चप्पलें फट जा रही है, टूट जा रही है, तो उनके लिए चप्पलों की भी इंतज़ाम करके रखे हुए। उस तरीके से ये जिस तरह पूरी फैसिलिटीज़ उनको देकर थोड़ा सा जो है उनको मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रेस से आते हैं, इनसे बात करते हैं, हाँ इनको समझाते हैं, इनका हौसला अफजाई करते हैं, और उनको जो है जिस तरीके से प्राइवेट गाड़ियाँ आ रही है और हमारे कुछ बस वाले साथ में, हमारे बाबा सेठ जो है सिटी लिंक वाले, वो यूसुफ भाई वातुक सेना है, हमारी कंपनी की मेट्रो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं। तो इस तरीके से जो है हम मिल के, हमारे फिरोज यार खान साहब की, रफत यार खान साहब की जो है काफ़ी वाजिद पाशा, हमारे जुनेद सिद्दीकी भाई हो गए, हमारे फिर अखिल सागर हो गए, फिरोज भाई भी हमारे बराबर आ रहे हैं, हमारे पेट्रोल पंप वाले अजहर भाई है, वो भी एक सेंटर वहाँ पर पैटर्न रोड के ऊपर ऐसे ही संभाल रहे हैं। तो हम जो है सब मिलके प्राइवेट गाड़ियों वालों के ड्राइवरों को समझा के, पुलिस डिपार्टमेंट का नंबर दे के, हेल्पलाइन का नंबर दे के जो है इनको इनके घरों पर रवाना कर रहे हैं। अच्छा, जैसा औरंगाबाद में चल रहा है काम, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दूसरे सिटीज़ वालों को? भाई हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो बीमारी के जो आज मुश्किल वक्त आया है, हाँ, तो हर इंसान ने जो है मज़हब को हटा के जो है एक प्लेटफॉर्म पे आके जो है हर इंसान की मदद करनी चाहिए। वो जिस तरीके से उसकी हैसियत से कर सकता है उसने मदद करना चाहिए, और जो है फूड पैकेज बोलो या
कोई मेडिसिन से रिलेटेड बोलो या जैसे हम ये काम कर रहे हैं, तो अब दूसरे शहरों में भी यही आप बोलना चाहेंगे कि भाई जहाँ माइग्रेंट लेबर्स हैं उसी तरीके से जो है पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन टीम बना के जो है उनके शहरों से भी जो है माइग्रेंट लेबरों को आगे भिजाने की पूरी तैयारी करें। तकरीबन 8-10 दिन से चालू है और आगे कब तक चालू रहेंगे? ये जो है करीबन 8-10 दिन से चालू है, करीबन हमने 15-16 हज़ार लोगों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भेज चुके हैं। एक अंदाज जो है, क्योंकि 2,000-3,000 के तादाद से लोग रोज़ जाते हैं, 24 घंटे ये हेल्पलाइन डेस्क चालू है और आगे भी जब तक का जो है ये लेबर आते रहेंगे इंशाल्लाह हम रोड पे इस तरीके से खड़े हुए रहेंगे। और एक और बात ये बताना चाहूँगा कि भाई हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब है सर चिरंजीवी प्रसाद साहब, ये इनका बहुत बड़ा सहयोग है और इनकी मदद से जो है ये पूरा काम शुरू हुआ है और ये शहर की लॉ और ऑर्डर भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। ये अल्लाह सुबहान तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि ऐसे बीमारी के वक्त जो है अल्लाह सुबहान तआला ने जो है इस कमिश्नर साहब को जो है औरंगाबाद शहर के अंदर जो है ये जिम्मेदारी मतलब वो अपॉइंट की गई है, मतलब वो यहाँ है इस शहर में, इसकी वजह से जो है काफ़ी चीज़ें जो है आसान हो रही है और लोगों को काफ़ी राहत पहुँच रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए या टेलीविज़न के ज़रिए आप सबने देखा होगा किस तरीके से आज मजदूर हज़ारों की तादाद में रोड पे सैकड़ों मील का सफ़र तय कर रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। ऐसे वक्त में जबकि हमारे वासिफ पटेल साहब, हफ़ाज़ यार खान साहब, वाजिद भाई, जुनेद भाई, अखिल नवाब साहब, इन्होंने औरंगाबाद में ऐसा एक कारनामा दिया कि एक और पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बनी है और इनको देखकर आज हर कोई ये काम करना चाह रहा है। जो हिजरत करने वाले मजदूर पैदल चल रहे थे उनका कोई देखने वाला नहीं था, तो ऐसे वक्त में खाना पानी, डॉक्टर्स और जाने का इंतज़ाम करने वाले इनका काबिल तारीफ काम है और ये काम इन्होंने रोजे की हालत में कर रहे हैं और मैं इनको बहुत दिल की गहराई से इन्हें मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें सेहत दे, हिम्मत दे और ये काम करने करेंगे। और ये सबसे पहले वासे भाई की मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये काम जब तक करूँगा जब तक अगर कोई एक अकेला भी जो मजदूर है अगर वो अकेला रहेगा तो मैं मेरी जिम्मेदारी पर उसे घर तक पहुँचाने का ये मेरा मकसद है। इंशाल्लाह अल्लाह इसको इनके मकसद में कामयाब करे और हम सब दुआ करते हैं कि इन्हें सेहत दे और हिम्मत दे। ये जो यहाँ पर 10-12 दिन से जो काम चालू है माइग्रेंट लेबर को भेजने का, तो इसके अंदर है तो जो हमारे औरंगाबाद के जो प्रशासन है खासकर प्रशासन के हमारे यहाँ के CP साहब चिरंजीव प्रसाद साहब ने हमको बहुत मोटिवेट किया है और ये है तो जो हेल्प डेस्क कैंप लगाने के लिए उन्होंने हमसे ये है तो जो कहा और हमने है तो जो इस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के टीम बना कर वर्कआउट कर रहे हैं। अब्दुल वासिफ भट्टी साहब के नेतृत्व और रफत यार खान साहब, हमारे बाबा भाई सिटी लिंक और तो हमारे जो यूसुफ भाई है तो जो वातुक सेना के अध्यक्ष रफत अकील अहमद और गणेश सिद्दीकी, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर। जितने भी लेबर आए तो अलहमदिल्ला हमने 15,000-1,000 तक लेबर यहाँ से हमने रवाना कर चुके हैं उनके काम तक और जब तक एक भी लेबर यहाँ पर रहेगा तब तक हम यहाँ पर काम जारी रखेंगे।